मेरे गांव में जब मैं छोटा सा था, लगभग 9-10 साल का, 11 साल का, तो कीर्तन हुआ। पहले कीर्तन का बोलबुआ लग जाता था, सब गांव के लोग आकर के कीर्तन होता था, बतासे बट जाते थे। हैं, पहले ऐसा नहीं होता था कि सब वो डीजे आएगा कि वो मंच लगना ना, बस भैया कीर्तन को बुलबुआ है, हैं, सब झोकर ढोलक झीका मजीरा लेके आ जाते, कीर्तन होता बतासे बट जाते। तो कीर्तन हुआ, एक मैं बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, आपके काम आएगी इसलिए, वैसे बताने की नहीं है। वो कीर्तन जब हुआ तो उस कीर्तन में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मेरे रोम रोम ऐसे हो गए, मैं समझ कुछ नहीं पा रहा था, बच्चा बुद्धि थी, बालक उम्र थी, पर मेरे अंदर इतनी आनंद का सैलाब हुआ। तब मैंने जो है कीर्तन वाले जो है ना, एक भगत जी थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इतना अच्छा लगता है इस कीर्तन में, तो क्या बिना बतासों के एक कीर्तन रोज नहीं हो सकता क्या? केवल बतासे बटें, कोई बुलौआ दे, क्या तभी कीर्तन होगा? तो वो कीर्तन करने वाले थोड़े वैसे थे, उन्होंने कहा हाँ, तो हम वैसे डरे डोल रहे हैं, सुनियो कीर्तन करते डोलेंगे हैं, अरे कोई बुलाएगा इज्जत के साथ। तो उनका तो कीर्तन एक इज्जत का काम था हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक अंदर की आनंद का, सुख का काम था। मेरे मन में ऐसी प्यास जगी कि भगवान, यदि जीवन कीर्तन में हो जाए, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ कीर्तन हो, मैं जहाँ रहूँ वहाँ कीर्तन हो, तो कितना अच्छा हो जाए। कभी यदि तुम हमसे खुश हो जाओ, मेरे अंतरात्मा से उसी उम्र में ये भगवान से प्रार्थना निकली। मुझे नहीं पता था कि सही होगी कि गलत होगी, बस निकली। लेकिन जब मैं संत हुआ और कथा कहना प्रारंभ किया, तब ये बात अचानक से मुझे याद आई कि मैंने कभी इस बीज को बोया था अनजाने में, नादानी की उम्र में, आज वो फलीभूत हो रहा है। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। वैसे शुरुआत तो उसी समय हो गई थी, गांव में ही। हम थोड़े से और नेक 2-4 साल बड़े हुए तो फिर हमने जो है चंदा करके एक ढोलक खरीदी, जीका मजीरा खरीदे, फिर कोई बतासे नहीं, कोई बुलबुआ नहीं। एक मंदिर था, उस मंदिर पर रोज कीर्तन करना प्रारंभ किया और उसमें इस आनंद की अनुभूति होती थी। फिर भगवान से यही मांगते थे। अब जहाँ कभी किसी को 7 दिन कीर्तन कराना होता है ना, वो सबसे पहले हमें याद करता है, हैं, पैसे देता है वो अलग है, रोटी देता है वो अलग। अभी हमारे परिचित जी कान में यूँ पूछ रहे, कोई परेशानी तो नहीं है, रोटी की, पानी की, दूध की कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई बात सच्चे हृदय से, कभी दिल से मांग ली जाए परमात्मा से, तो परमात्मा देने में कभी कंजूसी नहीं करता, पर हमें मांगना नहीं आता। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, ये भजन आज जीवन में सत्य होता हुआ दिखाई देता है तो बड़ा आभार से भर जाता है मन। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मेरे, तेरे रंग में रंगा
किस्मत है वो जो तुझसे दूर है, वो तेरे नाम का हर दीवाना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। ओ मैं जहां भी हर जमाना मिले।